हेलो एट क्लास स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एट योर होम। दिस इज माई सेकेंड वीडियो ऑन अवर चैप्टर 7th, द राइज ऑफ द रीजनल पावर्स। स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट यू द बंगाल अवध एंड थर्ड इज अबाउट द हैदराबाद, दैट हाउ दीज किंगडम्स एमर्ज्ड इनटू पावर एंड हाउ दे डिक्लेयर द इंडिपेंडेंस एंड लेटर ऑन their rulers, how the rulers of these kingdoms ruled over their territories. First of all, about the Bengal. Bengal was a rich and prosperous province of the Mughal Empire. देखो जो स्टूडेंट्स, जो बंगाल जो था वो काफ़ी रिच था, वेल्दी था, एंड द डिक्लाइन ऑफ द मुगल्स, जो जब डिक्लाइन हुआ मुगल्स का, इट गेव मुर्शीद कुली खान द मुगल गवर्नर ऑफ द बंगाल। जो मुर्शीद कुली खान था वो उस टाइम पर मुगल्स ने गवर्नर अपॉइंट किया था उसको बंगाल का। तो जब डिक्लाइन हुआ मुगल्स का, इट गेव ए चांस टू द मुर्शीद कुली खान टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द मुगल्स अथॉरिटी। अब जब डिक्लाइन हुआ मुगल्स की, जब पावर जब कम हो गई है, उनका कंट्रोल नहीं रहा अपने गवर्नर्स के ऊपर, तब जो मुर्शीद कुली खान था उसने खुद को फ्री कर लिया फ्रॉम द मुगल अथॉरिटी एंड डिक्लेयर हिज इंडिपेंडेंस। ही स्टार्टेड टू रूल बंगाल इंडिपेंडेंटली। तो उसने बंगाल को इंडिपेंडेंटली रूल करना स्टार्ट कर दिया, एंड वाइल पेइंग एनुअल ट्रिब्यूट टू द एम्पायर। जबकि वो एनुअली ट्रिब्यूट पे करता रहा एम्पायर को। एम्पायर मीन्स टू द मुगल्स। एनुअल ट्रिब्यूट मीन्स पे समथिंग, गिफ्ट्स टू लम सम ऑफ मनी एनुअली पेड बाई हिम टू द मुगल्स। मुर्शीद कुली खान वॉज एन एफिशियंट एडमिनिस्ट्रेटर। तो एक एफिशियंट एडमिनिस्ट्रेटर था ये, एंड हु ब्रॉट स्टेबिलिटी एंड पीस टू बंगाल। तो इसने स्टेबिलिटी और पीस मेंटेन की बंगाल में। ही कर्ब्ड बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स। कर्ब मीन्स ही कंट्रोल, जो भी इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी प्रॉब्लम्स थी उन सभी को उसने सॉल्व आउट किया। एंड प्रमोटेड एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड इंडस्ट्री। तो यहाँ पर इसने बंगाल में ट्रेड, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को प्रमोट किया, डेवलप किया। मुर्शीद कुली खान वॉज सक्सीडेड बाई हिज सन इन लॉ। अब मुर्शीद कुली खान के बाद जो नेक्स्ट जो रूलर था बंगाल का, दैट वॉज हिज सन इन लॉ, एंड हिज नेम वॉज अ सुजाउद्दीन, एंड ही रूल्ड फ्रॉम द ईयर 1725 टू 1739। ही वॉज अ चैरिटेबल, जस्ट एंड इम्पार्शियल रूलर। चैरिटेबल मीन्स जो कि डोनेशन वगैरह, दान वगैरह देता है जो, ठीक है। जस्ट मीन्स जस्टिस में जिसका फेथ है, टू प्रोवाइड द जस्टिस टू द पीपल। एंड ही वॉज ऑल्सो इम्पार्शियल रूलर हु पैटनाइज लर्निंग, आर्ट एंड कल्चर। जिसने देखो एनकरेज किया, पैटनाइज की, पैटनाइज मीन्स एनकरेज समथिंग, प्रोवाइड हेल्प टू द और प्रोवाइडेड सपोर्ट इन द सम फील्ड्स। सो ही पैटनाइज लर्निंग, आर्ट एंड कल्चर इन द बंगाल। सुजाउद्दीन डाइड इन 1739 एंड वॉज सक्सीडेड बाई हिज सन सरफराज खान। तो सुजाउद्दीन के बाद जो नेक्स्ट रूलर था, दैट वॉज द सरफराज खान, एंड ही वॉज ब्रेव मैन बट ऑफ ए रिलीजियस टेम्परामेंट। ब्रेव था बट एक रिलीजियस टेम्परामेंट था। रिलीजियस टेम्परामेंट का मीन्स क्या हुआ, दैट वन पर्सन हु थिंक अबाउट स्पिरिचुअली, जो स्पिरिचुअल के बारे में, जिसकी स्पिरिचुअलिटी में बहुत बिलीव होता है, फेथ रखता है, वो स्पिरिचुअलिटी में उसी के बारे में हमेशा सोचता रहता है, दैट इज कॉल्ड द रिलीजियस टेम्परामेंट। हिज ब्रीफ कैरियर, तो इसका काफी शॉर्ट एक, देखो वन ईयर का ही था इसका टाइम पीरियड। हिज ब्रीफ कैरियर एंडेड इन 1740 व्हेन ही वॉज डिपोज्ड एंड किल्ड बाय अलीवर्दी खान। तो अलीवर्दी खान ने इसको डिपोज कर दिया था, एंड किल्ड, एंड ही वॉज ऑल्सो किल्ड बाय द अलीवर्दी खान इन 1740। अब अलीवर्दी खान कौन था? अलीवर्दी खान वॉज द गवर्नर ऑफ पटना। तो ये पटना का गवर्नर था, एंड बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल इन 1740। जो अलीवर्दी खान जो था, तो वो गवर्नर था पटना का, एंड बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल इन 1740 व्हेन ही किल्ड द सरफराज खान, एंड ही रूल्ड फॉर 16 इयर्स देयर आफ्टर। दो एन एफिशिएंट रूलर, ही हैड टू फेस कंटिन्यूअल अटैक्स। तो इसको चाहे एक एफिशिएंट रूलर था, बट इसको काफी प्रॉब्लम्स हुई ड्यूरिंग हिज रेन, एंड ही फेस्ड कंटिन्यूअल अटैक्स बाय द मराठास एंड रिबिलियन बाय द अफगान्स। तो इसके टाइम पर मराठास ने काफी पैसे के ऊपर अटैक किया, एंड आल्सो द अफगान्स रिवोल्टेड ड्यूरिंग हिज टाइम। द टू अटेन पीस ही अलाउड मैनी कंसेशंस टू द मराठास। सब मराठास के साथ मीन्स अपने रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए और पीस मेंटेन करने के लिए इसने मराठास को काफी कंसेशंस प्रोवाइड किए।
ही मेंटेन गुड रिलेशनशिप्स विद द यूरोपियन, जो उस टाइम पे इंडिया में यूरोपियंस पावर्स थी लाइक फ्रेंच, ब्रिटिश, पोर्चुगीज, तो उनके साथ भी इसने अपने अच्छे रिलेशन मेंटेन किए, बट ही डिड नॉट अलाउ देम टू इंक्रीज देयर मिलिट्री प्रेजेंस। बट इसने अली वर्दी खान ने यूरोपियंस को उनकी मिलिट्री पावर को इंक्रीज करने की परमिशन नहीं दी। ही डिड नॉट अलाउ द फ्रेंच एंड द ब्रिटिश टू फोर्टिफाई देयर सेटलमेंट्स। अब देखो, इसने फ्रेंच और ब्रिटिश को अपने सेटलमेंट्स को फोर्टिफाई करने की परमिशन नहीं दी। फोर्टिफाई का मीन्स क्या होता है, जब हम देखो एक अपने रेजिडेंशियल जो प्लेसेस हैं उसके आसपास जब हम किला बना लेते हैं उसकी प्रोटेक्शन के लिए, दैट इज कॉल्ड द फोर्टिफाई। तो इसने फ्रेंच और ब्रिटिश को देखो सेटलमेंट्स के जो फोर्टिफाई सेटलमेंट है उसकी परमिशन नहीं दी एट द चद्दा नगर एंड द कलकत्ता रिस्पेक्टिवली। तो चद्दा नगर में जो फ्रेंच थे दे वांटेड टू फोर्टिफाई इट एंड कलकत्ता वाज ब्रिटिश वांटेड टू फोर्टिफाई द कलकत्ता। तो यहाँ पर उनको परमिशन नहीं मिली अली वर्दी खान से। सिराजुद्दौला ही रूल्ड फ्रॉम द ईयर 1756 टू 1757, ओनली वन ईयर। अली वर्दी फेवरेट ग्रैंडसन, तो जो सिराजुद्दौला था वो अली वर्दी खान का फेवरेट ग्रैंडसन था, ही वाज अ ग्रैंडसन ऑफ अली वर्दी खान। असेंडेड द थ्रोन आफ्टर हिम, ही वाज द लास्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ द बंगाल। तो ये लास्ट इंडिपेंडेंट रूलर था बंगाल का। द प्रोमिनेंस ऑफ बंगाल प्रॉस्पर्ड अंडर दीज रूलर्स हु सेट अप एफिशिएंटली एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो जो सुजाउद्दीन हुआ, सरफराज खान था, अली वर्दी खान था, सिराजुद्दौला था, दे वर द एफिशिएंट रूलर्स एंड बंगाल बिकम वेल्दी एंड प्रॉस्परस ड्यूरिंग दीज रूलर्स। हाउएवर द नवाब्स ऑफ बंगाल फेल्ड टू असेस द इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज। अब जबकि जो बंगाल के देखो जो नवाब्स थे वो फेल हो गए जो इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस था उसको रोकने से, जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज बंगाल में एंटर हो रही थी उनका जो इन्फ्लुएंस था जो उनका इम्पैक्ट जो पड़ रहा था उसको कब करने में कहीं ना कहीं ये फेल हो गए। एंड दे आल्सो यूरोपियन पावर्स इंक्रीज देयर मिलिट्री स्ट्रेंथ आल्सो इन द बंगाल। दे कंटिन्यू टू बिलीव दैट ए मेयर ट्रेडिंग कंपनी कुड नॉट थ्रेटन देयर अथॉरिटी। अब इनको ये था कि जो यूरोपियन जो ट्रेडिंग कंपनीज है, क्योंकि आपको पता है जो जब ये फ्रेंच आए इंडिया में, इंग्लिश एंटर इन द इंडिया, सो दे वॉज ओनली ट्रेडिंग कंपनी, ओनली ट्रेडिंग कंपनी थी। तो इसलिए जो बंगाल के नवाब थे इनको ये बिलीव था कि इससे हमें कोई खतरा नहीं है, हमें कोई भी टेंशन नहीं है, बिकॉज दे आर ओनली ट्रेडिंग कंपनी। इन एडिशन टू दिस, द नवाब्स ऑफ बंगाल आल्सो निगलेक्टेड टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग आर्मी एंड पेड अ हैवी प्राइस फॉर इट। अब इन्होंने अपनी आर्मी को भी मेंटेन नहीं किया, इवन दे निगलेक्टेड टू मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग आर्मी, और इसका इनको हैवी प्राइस देना पड़ा। दे मीन्स दे लॉस्ट द बंगाल इन द हैंड ऑफ द ब्रिटिश। इन 1757 सिराजुद्दौला वॉज डिफीटेड बाय द ब्रिटिश फोर्सेज इन द बैटल ऑफ प्लासी, एंड आफ्टर द वॉर देयर वॉज अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन ब्रिटिश ग्रेजुअल इंक्रीज इन द ब्रिटिश पावर इन द रीजन। देखो स्टूडेंट्स, जो बैटल ऑफ प्लासी है इट वॉज हेल्ड इन द ईयर 1757 बिटवीन द सिराजुद्दौला एंड द ब्रिटिशर्स, एंड अबाउट दिस बैटल ऑफ प्लासी आई विल टेल यू इन डिटेल इन द नेक्स्ट चैप्टर। ओके, तो बैटल ऑफ प्लासी के बाद जब सिराजुद्दौला की फोर्सेज डिफीट होगी तो उसके बाद ब्रिटिशर्स को की जो पावर थी वो इंक्रीज होगी इन द रीजन, एंड बंगाल वॉज द फर्स्ट प्रोमिनेंस विच वॉज एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिशर्स। ओके, सेकेंड वॉज द अवध एंड द आउध, सदत खान बुरहान उल मुल्क द मुगल गवर्नर ऑफ बंगाल। अब देखो ये भी गवर्नर था, मुगल गवर्नर था अवध का, फाउंडेड द इंडिपेंडेंट किंगडम ऑफ अवध। अब इसने भी इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया खुद को। ही वॉज एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर हु स्ट्रेंथन हिज आर्मी, इसने अपनी आर्मी को स्ट्रेंथन किया, मेंटेन एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, तो एडमिनिस्ट्रेशन काफी अच्छा था इसका। आई इंट्रोड्यूस सेवरल रेवन्यू रिफॉर्म्स, रेवन्यू रिफॉर्म मीन्स टैक्सीज या फिर जहाँ से इनकम इसको जनरेट होती है, तो उन केसेस में इसने काफ़ी इम्प्रूवमेंट की, काफ़ी इसने चेंजेस की। ही सक्सीडेड इन एस्टेब्लिशिंग लॉ एंड ऑर्डर, तो इसने लॉ एंड ऑर्डर को एस्टेब्लिश किया इन द अवध बाय सप्रेसिंग द बिग जमींदार, जो बिग जमींदार थे उनको उनकी पावर को कंट्रोल में करके, विच इंक्रीज द फाइनेंसिस ऑफ द गवर्नमेंट। अब जो पहले बिग जमींदार जो थे वो एक हैवी पार्ट जो है, जो एक बड़ा पार्ट टैक्सेस का अपने पास रखते थे वो, ठीक है, तो उनके पावर्स कंट्रोल में करने के बाद जो फाइनेंसेस थे गवर्नमेंट, क्योंकि अब जो टैक्सेस थे जो भी रेवेन्यू था वो गवर्नमेंट को जा रहा था, तो इससे गवर्नमेंट के जो फाइनेंस जो थे वो इंक्रीज हो गए। सदत खान वाज सक्सीडेड बाय हिज नेफ्यू, तो सदत खान के बाद इनके नेफ्यू आए, दैट इज द सफदरजंग हु वाज अपॉइंटेड एज द वजीर ऑफ द एम्पायर इन 1748। 1748 में ये वजीर थे एम्पायर के, एंड वेस्ट वॉर अंगेजा रोहिल्लास जाट एंड द मराठास, तो रोहिल्लास जाट्स एंड मराठास के अंगेंस्ट में वॉर
इन्होंने वॉर में भी पार्टिसिपेट किया इन्होंने। सफदरजंग वॉर सक्सीडेड बाय हिज सन सुजाउद्दौला। स्टूडेंट्स डोंट बी कन्फ्यूज, देखो अब बंगाल में मैंने आपको बताया जो उन्होंने बैटल ऑफ प्लासी में पार्टिसिपेट किया ही वॉर द सिराजउद्दौला। ओके, और यहाँ पर अवध के नवाब है सुजाउद्दौला, वो सिराजउद्दौला है एंड ही इज द सुजाउद्दौला, और इनके साथ बैटल हुई थी ब्रिटिशर्स की एंड दैट बैटल वॉज कॉल्ड द बैटल ऑफ बक्सर। तो उसके बाद इन द ईयर 1764, तो उसके बारे में भी नेक्स्ट चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। तो सफदरजंग वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन सुजाउद्दौला एंड द स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक प्रोस्पैरिटी अंडर द रूल ऑफ द नवाब्स रिजल्टेड इन द ग्रोथ ऑफ अ डिस्टिंक्ट कल्चर ऑफ लखनऊ अराउंड द अवध कोर्ट। तो जो लखनऊ जो कैपिटल सिटी थी अवध की, जब इन नवाब्स के टाइम पर वहाँ पर स्टेबिलिटी थी, प्रोस्पैरिटी थी, तो जो कल्चर जो था लखनऊ का वो डेवलप्ड हुआ अंडर दिस नवाब्स। आफ्टर 1775 असफउद्दौला जो फोर्थ नवाब थे अवध के शिफ्टेड द सीट ऑफ अवध फ्रॉम द फैजाबाद टू लखनऊ। तो उन्होंने लखनऊ फैजाबाद से लखनऊ जो है कैपिटल शिफ्ट कर ली अपनी एंड इन 1856 अवध वॉज अनेक्स्ड बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट्स नवाब वाजिद अली शाह वॉज एग्जाइल टू कलकत्ता। 1856 में जो नवाब वाजिद अली शाह था उनको एग्जाइल कर दिया, कलकत्ता सेंड कर दिया गया, और जो अवध था इट वॉज अनेक्स्ड बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट इज अबाउट द हैदराबाद। द ऑटोनमस स्टेट ऑफ हैदराबाद वॉज फाउंडेड बाय निज़ाम उल मुल्क असफ शाह। स्टूडेंट्स हु फाउंडेड द हैदराबाद, तो हैदराबाद वॉज फाउंडेड बाय निज़ाम उल मुल्क असफ झा, और इनका ओरिजिनल नेम था चिन कुलिच खान। ओके, चिन कुलिच खान वॉज हिज ओरिजिनल नेम एंड ही फाउंडेड द हैदराबाद इन 1724। इन 1712 द मुगल एम्परर फारूक सियर हैड मेड हिम द गवर्नर ऑफ द डेक्कन प्रोविंसेस। तो फारूक सियर जो थे मुगल गवर्नर एम्परर जो थे उन्होंने निज़ामुल मुल्क को डेक्कन प्रोविंसेस का गवर्नर अपॉइंट किया था। वाइल ही नेवर ऑफिशियली डिक्लेयर हिज इंडिपेंडेंस, तो ऑफिशियली देखो इन्होंने कभी भी अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर नहीं की फ्रॉम द मुगल्स। ही बिगेन टू रूल द स्टेट ऑफ हैदराबाद इंडिपेंडेंटली, तो ये इंडिपेंडेंटली जो है रूल करते रहे हैदराबाद के ऊपर। असफ जहाँ एस्टेब्लिश एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, तो उन्होंने अपना एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप किया एंड विच हेल्प्ड हिम टू कंसोलिडेट हिज पावर। ही प्रोटेक्टेड हिज स्टेट फ्रॉम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड एक्सटर्नल थ्रेट्स, तो उन्होंने जो इंटरनल जो एक्सटर्नल जो भी प्रॉब्लम थी उससे स्टेट को प्रोटेक्ट किया एंड पर्टिकुलरली द पावर ऑफ द मराठा, तो मराठा से भी इन्होंने हैदराबाद को प्रोटेक्ट किया। ही ऑल्सो अटेम्प्टेड टू गेट रिड ऑफ द करप्शन इन द रेवन्यू सिस्टम, तो रेवन्यू सिस्टम मीन जो कलेक्शन ऑफ टैक्सेस में जो भी करप्शन था उसको भी उन्होंने मीन्स ही आल्सो अटेम्प्टेड टू गेट रिड मीन्स उससे उसको भी दूर किया इन्होंने, जो करप्शन सिस्टम था रेवन्यू सिस्टम में जो करप्शन आ रहा था ही ऑल्सो रिमूव्ड दैट वन। आफ्टर हिज डेथ इन 1748 द स्टेट ऑफ हैदराबाद फेस्ड वार ऑफ सुसेशन, तो इनके जो आगे जो सन थे ग्रैंड सन थे कजन्स वगैरह थे उनमें आपस एक वार ऑफ सुसेशन स्टार्ट हो गया आफ्टर हिज डेथ एंड द पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन द किंगडम, तो जो पोलिटिकली जो इंस्टेबिलिटी थी किंगडम में मेड इट ईजी फॉर द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच कंपनीज टू इंटरवेन इन इट्स अफेयर्स, तो उसे ब्रिटिश और फ्रेंच कंपनीज को हेल्प मिली। तो इसके बाद जो यहाँ पे एक्चुअली जो पोलिटिकली इंस्टेबिलिटी थी तो इससे जो फ्रेंच और जो ब्रिटिश कंपनी थे दे इंटरवीन मीन्स टेक पार्ट इन इट्स अफेयर्स, उन्होंने यहाँ पर उनके हैदराबाद के जो भी पोलिटिकली जो भी अफेयर्स थे उसमें उन्होंने अपना पार्टिसिपेट अपना मीन्स इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द हैदराबाद स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टैंड इट, हैव अ नाइस डे, गुड बाय ऑल ऑफ यू।